संबल जिले में लगातार मासूमों पर कुत्तों के हमले जारी हैं। संबल शहर की उपनगरी सराय तरीन के मोहल्ला मंगलपुरा में घर के बाहर खेल रहे मासूम पर कुत्तों के झुंड ने हमला बोल दिया। उसकी हालत बिगड़ी तो चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। किसी तरह मासूम को कुत्तों के चुंगल से छुड़ाया गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ मासूम के 15 टांके लगे। हालत गंभीर है। शहर के उपनगरी सराय तरीन के मोहल्ला मंगलपुरा निवासी शाने आलम का 4 वर्षीय बेटा मोहम्मद अशरफ अपने साथी बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। खेलते वक्त अचानक वहां कुत्तों का झुंड पहुंच गया। उसने अशरफ पर हमला बोल दिया। उसे कुत्तों के झुंड ने हमला कर लहूलुहान कर दिया। चीख पुकार सुनकर उसके साथी बच्चे डर की वजह से भाग गए। किसी तरह लोग पहुंचे और उसे चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई, वे देखकर बिलख पड़े। इसके बाद परिजन आनंद फानंद में लेकर उसे जिला अस्पताल पहुंचे। एंटी रेबीज वैक्सीन लगने के बाद उसे रेफर कर दिया गया। हमले के बाद से बच्चों में दहशत है। मेरा नाम मोहम्मद शाहे आलम। कहाँ का बात है? कहाँ की? मंगलपुरा सराय नियर तक। क्या हुआ? ये बच्चा घर से बाहर निकला था, बाहर कुत्ते थे 3, वो इस पर बैठ गया। खेलने के लिए वैसे निकला था। तो क्या इस तरह से असर होता है वो कुत्तों का? और 2-3 बार हो गया। कभी बकरी बच्चे फाड़ दिए और कल एक लड़का वो काटा था। 4-5 कुत्ते ऐसे हैं जो काटते हैं।